जो बुलडोजर चलाए हैं, बुलडोजर से तोड़े हैं, उनसे बात करते हैं। हम लोग उसी बुलडोजर पे हैं। यार पिछला वाला कंधे पे चढ़ा था, ये बुलडोजर पे चढ़ गई। जो बुलडोजर चलाए हैं, बुलडोजर से तोड़े हैं। और तो और ये स्पेसिफिक केस में वो बेचारा ड्राइवर कर भी क्या सकते हैं, उसे ऑर्डर से वो सिर्फ ऑर्डर्स फॉलो कर रहा है। हाँ मतलब एज ए रिपोर्टर आपको एक्चुअली जिस गाड़ी के ड्राइवर को पूछना चाहिए था उसके यहाँ पर तो आप कभी गए नहीं। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। हे गाइस, वेलकम बैक WOD गाइस। सो कुछ दिनों पहले मुझे इंस्टाग्राम पर एक सब्सक्राइबर का DM आया जहाँ एक लिंक थी और उस सब्सक्राइबर ने बोला कि यार इस पर एक वीडियो बना। तो मैंने उस लिंक पर क्लिक कर दिया और वहां मैंने देखा कि इट इज अ कंपाइलेशन वीडियो ऑफ न्यूज रिपोर्टर फेल्स। अब स्पेशली जब मेरे पास वीडियो के लिए कोई आइडिया नहीं थी और कुछ खास ट्रेंड भी नहीं हो रहा है, ये वीडियो की लिंक देखकर आई वॉज लाइक तो थैंक यू फॉर द लिंक। एंड वीडियो शुरू करो उससे पहले आप लोग सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन दोनों प्रेस कर दो, क्योंकि यार अब हम लोग को 65,000 सब्सक्राइबर्स पहुंचना है अभी के अभी। हाल देखें, यहां प्रेस क्लब को बनाने के लिए नहीं मगर उठा। Guys, just imagine, आप लोग अपने काम में मग्न हो के फुल फोकस कर रहे हो एंड सडनली एक बंदा आके आपके पीठ पर नहीं मगर उठा और ये बंदे ने जिस जोर से मारा है ना, इट टेक्स मी बैक टू माय स्कूल डेज जब हम लोग ऑप्स एंड बैक्स खेलते थे। अगर बैठने के बाद ऑप्स नहीं बोला तो आकर पीठ पर मार देते थे एंड चलो मारना तो ठीक है, ये ऐसा कौन मारता है? हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। अब मुझे स्कूल छोड़े 7 या 8 साल हो गए लेकिन अब भी बैठते और उठते टाइम में हर बार बैक्स और ऑप्स बोल देता हूँ, बिकॉज लेट्स बी ऑनेस्ट, मेरे को इस बार रिक्स लेने का ही नहीं है, बिल्कुल रिक्स नहीं लेने का है। A good performance by इरफान खान in the under-19 Asia Cup. इरफान पठान। ओके, एक तो उसने इरफान पठान को इरफान खान बुलाया, बट दैट्स जस्टिफाइड क्योंकि वो उस फील्ड में नहीं है, तभी वो अंडर-19 प्लेयर था। और मुझे सबसे फनी तो वो कैमरामैन का टोन लगा, इरफान पठान, मतलब वो सिर्फ इन्फॉर्म नहीं कर रहा था, वो इन्फॉर्म कर करके कंटाल गया था कि यार इसका रोज का है इरफान पठान। नो कि आप लोगों को न्यूज रिपोर्टिंग करते टाइम क्रिएटिव होना पड़ता है, बट इट डजंट मीन कि इतना अजीब शॉट लो दो स्टंप के बीच में से वो बोल रही है। ये पूरा जो है मंजर है और ये फिर ये ग्रुप निकलेगा मोटरसाइकिल से और फिर देखें ये नजारा जो है एक एक करके और फिर चलिए बहुत बहुत खुश रहिए, हैप्पी होली। नाउ अगर आप लोग कंफ्यूज हो कि यार ये बंदा रैंडमली न्यूज रिपोर्टर के पाव क्यों पड़ रहा है, देन डोंट वरी, मैं बताता हूँ, इट्स जस्टिफाइड। एक तो होली का टाइम है और भांग पीने के बाद ऐसा ही होता है। दारू नहीं रे बाबा, दवाई है। इनफैक्ट आई एम सरप्राइज कि बाकी लोग बाइक से उतर कर पाव नहीं पड़ रहे। I feel this video is one of the reasons why कि अब लोगों को गाना गा गा कर समझाना पड़ रहा है कि also guys, see, this is a real friend. बाइक से जिस बंदे को उड़ाया उसे पूछा तक नहीं। Also अगर आप लोगों को जानना है कि what is the true meaning of dedication, बात तमीज की हम कर रहे थे लेकिन इसी आई वुड बी सरप्राइज अगर 5 मिनट बाद ये बंदा कैमरा के सामने, मेरी एक टांग नकली है, मैं हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी था, एक दिन उदय भाई को मेरी किसी बात पर गुस्सा आ गया तो मेरी हॉकी स्टिक से मेरी टांग के 4 टुकड़े कर दिए। ओके ओके, आई नो कि उसके ऊपर वो बैकड्रॉप गिरा, बट उसके पहले डिड यू ऑब्जर्व इट, वो सेंटेंस खत्म करने के बाद वो लिटरली सो रही थी। In fact, this just proves कि government news सुनने के बाद सिर्फ हमें नहीं, उन्हें भी नींद आती है। ഇവിടത്തെ വീടുകൾ കടലെടുത്തിട്ട് ദിവസങ്ങൾ പിന്നിടുന്നു, തലചായ്ക്കാൻ ഇടവുമില്ല, ആഹാരവുമില്ല, തരാണെങ്കിൽ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയിട്ടുമില്ല। ह्यूमन नेचर देख लो, जब इंसान इम्बैलेंस होता है उसका आवाज ऐसा ही निकलता है। Also, it looks like a बेचारी छतरी has given up. का शरबत गर्मियों का एक खास तोहफा है जो ना के जिस्म में ठंडक पैदा कर। You know what? ये मुझे स्कूल की याद दिलाता है जब प्रेजेंटेशन या फिर क्लास के सामने कुछ स्पीच देना होता है, टीचर बाकी स्टूडेंट्स के साथ बेंच पर बैठकर हमारे प्रेजेंटेशन स्किल्स के ऊपर मार्क्स दे रही है और टीचर के पीछे से हमारे दोस्त हमें हंसा रहे। बंद करो हाथ जोड़ के, मैं गुजारिश करता हूँ।
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी मोहब्बत का इजहार करते नजर आ रहे हैं। जी इट फेल्ट लाइक कि ये रिपोर्टर बहुत बार अटेम्प्ट दे रहा था और फाइनली उसका परफेक्ट डिलीवरी हो रही थी और उतने में अचानक से एक हाथ आता है। मार कब रे भैया पे सुनने के लिए मार किस में है। चल न्यूज रिपोर्टिंग की सबकी अपनी अपनी स्टाइल होती है। ऑल आई कैन होप इज कि बेचारे जो बंदे ने उसे कंधे पे लिया है उसे कुछ पैसे तो मिले, क्योंकि इतनी बड़ी स्माइल सिर्फ कैमरा पे आने के लिए नहीं होगी। आइए बात करें नवजोत, जो बुलडोजर चलाए हैं और बुलडोजर से तोड़े हैं उनसे बात करते हैं। हम लोग उसी बुलडोजर पे हैं। यार पिछला वाला कंधे पे चढ़ा था, ये बुलडोजर पे चढ़ गई। एक तो कौन बंदा है जो बुलडोजर के ऊपर डायरेक्टली चढ़ जाता है। जो बुलडोजर चलाए हैं और बुलडोजर से तोड़े हैं। और तो और ये स्पेसिफिक केस में वो बेचारा ड्राइवर कर भी क्या सकते हैं, उसे ऑर्डर्स है, वो सिर्फ ऑर्डर्स फॉलो कर रहा है। हाँ मतलब एज ए रिपोर्टर आपको एक्चुअली जिस गाड़ी के ड्राइवर को पूछना चाहिए था उसके यहाँ पर तो आप कभी गए नहीं। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। और ड्राइवर साहब आपका क्या नाम है? क्या करोगे मेरा नाम जान के? एंड इट्स नॉट जस्ट फनी, इट वाज अ फेयर पॉइंट। क्या करेगी नाम जान के? और ड्राइवर साहब आपका क्या नाम है? But I'm from Russia, don't ask me stupid questions. At least कुछ सेंसिबल सवाल पूछ लेते। जा पूछ क्या? पहले से आराम है? जी बहुत बहुत मुश्किल हो रही है यहाँ पे। यार मुझे एग्जैक्ट कॉन्वर्सेशन के बारे में तो नहीं पता, बट मुझे ये बंदे के वीडियोस देखे हुए याद है। ये एक पाकिस्तानी रिपोर्टर है और उसकी किस्मत सबसे खराब है। हेलो, आपका मतलब नंबर से फिलहाल जवाब एक तो बेचारा लेट नाइट किसी अनजान जगह पर रिपोर्टिंग कर रहा है, उसके बावजूद बेवड़े लोगों ने उसे घेर के रख दिया है। और अगर उतना काफी नहीं था तो उसे जिसे कॉल लगाने वो कॉल भी नहीं कनेक्ट हो रहे। I'm sick and tired now. I don't know what to do. मेरी किस्मत ही खराब है, मेरी किस्मत ही खराब है, मेरी किस्मत खराब है। Please try later. इस वक्त गुलसोफी भी सीवीओ के ऊपर मौजूद है। गुलसोफी बात अंडे वाला बर्गर, मुझे अंडे वाला बर्गर। यार क्या चिचोर बन है, तमीज नहीं है आपको? तमीज कमीज तो पहनी हुई है, इससे बड़ी बस यही कमीज है तुम्हारे पास। यार बेवड़े लोगों से सेंसिबल आर्ग्यूमेंट क्यों करने चाहते हो, इट इज अ लॉस्ट कॉज। और अगर आप लोगों को पिछला वीडियो देख के लगा कि यार इससे बुरी किस्मत नहीं हो सकती, देन हैंग ऑन, ये वीडियो देख लो। अबे गायें आ रही है भागती भी। तो बैकग्राउंड इसकी अगेन किसी अजीब जगह पर रिपोर्टिंग करने आया है और सामने दूर उसे गाय भागते हुए दिख रही है। बना ले एक शॉट। कि हम ही ना घुस जाए आगे। यार मुझे उस बंदे का मोशन विजुअलाइज हुआ। अगर आप लोग क्लोजली उस कैमरा के एंगल को विजुअलाइज करोगे, इट वाज समथिंग क्लोज टू ये आदमी खड़ा, ये गाय यहां से आ रही है, आ रही है, आ रही है, पुफ। और अगर आप लोगों को ये पार्ट इतना फनी नहीं लगा तो आई एम सॉरी, बट क्या करूं, मुझे लगा मजा आएगा। चुप कर, मुझे लगा मजा आएगा। और इसी वजह से कई सवाल अब खड़े हो रहे हैं, लेकिन बड़ी बातें अब तक की क्या रही हैं वो अब आपको विस्तार से हम दिखा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने 40 अप्रैल तक लॉकडाउन बढ़ा दिया। 40 अप्रैल से डिड शी मीन 30 अप्रैल या फिर 10 मई? ये राज भी उसी के साथ चला गया सर। हमारे साथ गांव के और भी लोग हैं और उनसे जानते हैं इस गांव में क्या क्या समस्या है और जो गांव का विकास है आखिर कहां पर रुक रहा है, क्या समस्या इस गांव में? आई थिंक ये गांव का विकास इसी बिहेवियर की वजह से रुका है। मतलब जब वहां का नेता प्रॉब्लम पूछने जाता है तब ऐसा ही होता होगा। ए तू बोल ना, तू बोल। हेलो एंड वेलकम टू आवर स्पेशल फिल्म रिपोर्ट फ्रॉम लंदन। यही होता है जब आप लोग स्क्रिप्ट रट के आते हो। आपको स्क्रिप्ट रटनी नहीं चाहिए, नहीं नहीं चाहिए थी। मिलता सारी रात पानी के लिए परेशान, सर में दर्द हो गया है, ये देखो मेरी हालत कमजोर हो गई, मैं अब बताओ मैं क्या करूं, कैसे इस मुल्क में रहें।
Now see, I understand कि ये लोगों को बहुत तकलीफें हो रही है, but I feel somewhere she should have explained it in a better way कि सब लोगों को पता चले कि exactly क्या problem हो रहा है। ये बच्चा मेरा पोता, इसकी गान धोने के लिए पानी नहीं है, हैं? क्या बताएं? हकुमत मर गई है, भड़वत खा रही है, बिल इतना भेज रहे हैं क्या कुछ कहने का नहीं, चार चार घंटे दो दो घंटे लाइट बंद है। एक सेकेंड, इसे कहीं देखा हुआ है? क्या ये अपनी कब्र में जलाएंगे क्या भड़वे रंडी के बच्चे, गालियां तो मैं बकूंगी। एक चश्मिश दादी सिर पे दुपट्टा लिए गवर्नमेंट को न्यूज पे गाली दे रही है, और ये तो अपनी, ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। ये भैंचो सारे मिलके हमको पागल बना रहे, मादर चोद के बच्चे इतने गांड फटी के हैं ये बड़वे। यार इस एवरग्रीन वीडियो में भी ना मुझे उसकी गालियों से ज्यादा फनी तो वो बच्चे की रिएक्शन लगी, मतलब उसे कैमरा में भी आना है बट उसे उस गाली देने पर हंसी भी आ रही है, एंड ही कांट शो इट टू हिज पेरेंट्स कि यार मुझे पता ही ये सब गाली है। पर आइए अब एक नजर डाल लेते हैं उन तमाम अहम खबरों पर जो दिन भर रही सुर्खियों में, देखते हैं ताजा खबर। देख लो यार, somewhere I feel bad for these आज तक वाले people क्योंकि हमेशा इनके साथ ही कुछ उल्टा सीधा होता रहता है। हाँ मतलब I rarely remember कि कभी ऐसा NDTV के साथ हुआ हो। The weather forecast, the Sensex and the Nifty actually had been very volatile in the last 3 days. ये market report दे रही है, weather report दे रही है। Music. Now, अगर आप लोगों को लग रहा है कि यार ये एंड में थोड़ा एक्सट्रीम हो गया, then don't worry, क्योंकि जिस तरीके से अपने रिपोर्टिंग के स्टैंडर्ड्स नीचे जा रहे हैं, I'm sure ऐसे इंसिडेंट्स और होने वाले। Anyway, अगर आप लोगों ने यहां तक वीडियो देख ही लिया है तो सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन दोनों प्रेस कर दो, क्योंकि भाई ने बोला करने का तो करने का, पागल है क्या? चल आप लोग नीचे कमेंट करके बताओ कि मैं नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पर बनाऊं। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दो @thebluehoodieguy। Blue Army, thank you so much for all the love. Bye.